सो so, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप की पेरेंट्स कंपनी आ जो फेसबुक की रीब्रांडिंग होने जा रही है तो इसी के टॉपिक पर हम बातें करेंगे कुछ अगर आप भी एक फ़ेसबुक यूज़र हो तो ये वीडियो आपके लिए है आप इस वीडियो को एंड तक देखना देखिए फेसबुक जो है अपने आप को एक नए ने ब्रांड नेम से जाना जाएगा इसका ऐलान अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है दरअसल फेसबुक कंपनी जो है अपने कारोबार का तेज़ी से विस्तार कर रही है इसके लिए कंपनी ने गूगल की तर्ज पर फेसबुक की रीब्रांडिंग करने का फैसला लिया है दरअसल फेसबुक की शुरुआत एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर हुई थी लेकिन मौजूदा वक्त में फेसबुक के तहत तमाम कंपनियां काम कर रही है ऐसे में फेसबुक कंपनी तमाम सहायक कंपनियों को एक ब्रांड नेम से के तहत जो है लाना चाहती है इससे फेसबुक को अपने कारोबार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको बता देना चाहते हैं कि फेसबुक पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो अपना ब्रांड नेम बदलने जा रही है इससे पहले साल 2016 में गूगल ने खुद की रिब्रांडिंग करते हुए इसे अल्फ़ावेट कर दिया था जिसके तहत मौजूदा वक्त में सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल और उसकी सहायक कंपनियां काम कर रही हैं वहीं साल 2016 में स्नैपचैट ने खुद की रीब्रांडिंग करते हुए इसे स्नैप आईएमसी नाम दिया था ठीक इसकी तर्ज पर फेसबुक भी अपनी रीब्रांडिंग करने जा रही है ऐसे में फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियां जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक नए ब्रांड नेम के अंतर्गत काम करेगी फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरवर्ग ने 28 अक्टूबर के जो है अपने सालाना कनेक्ट कॉन्फ्रेंस से इसके बारे में संकेत दिए थे हालांकि फेसबुक की तरफ़ से फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है बता दें कि फेसबुक में पहले से ही दस हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो नए नए प्रोडक्ट जैसे ए आर ग्लासेस पर काम कर रहे हैं साथ ही खबर यह भी है कि फेसबुक की तरफ से स्मार्टफोन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है इसके अलावा मेटावर्स पर काम कर रही है ऐसे में फेसबुक अपने सभी कारोबार को बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहती है फ़ेसबुक को नए ब्रांड नाम से फेस किए जाने से यूजर्स पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा